वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो बोलना शुरू करो, आपका प्यार बना रहेगा, ये जुस्सा 19 को भी चलाना है, चलेगा। भाइयों बहनों, वो जीत तो सकते नहीं, गाली देकर ही अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। साथियों, ये केंद्र में मजबूर और कमजोर खिचड़ी सरकार बनाने के चक्कर में थे, सोच रहे थे कि कमजोर सरकार आई तो फिर इन्हें सरकार को ब्लैकमेल करके जनता को लूटने का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन आपके इस चौकीदार ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दस दिन के बाद 23 मई के नतीजे तय है। क्या नतीजा आने वाला है, क्या नतीजा आने वाला है? फिर एक बार नतीजे तय है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव बाकी है, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं, विजय निश्चित है। लेकिन ये हम याद रखें, बचपन में हमें सिखाया गया है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए आपको भी 19 मई को घर से निकलना है और देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट देना है। और इस विजय को अधिक भव्य बनाना सपना है। साथियों, ये चुनाव सिर्फ तय करने के लिए नहीं है कि कौन सा दल या गठबंधन जीतेगा, बल्कि चुनाव तय करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत कितनी तेजी से विकास करेगा। ये चुनाव 21वीं सदी के हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले भारत के विकास की बात कभी भी करते हैं क्या? ये भारत के विकास की बात करते हैं क्या? भारत के विकास की चर्चा करते हैं क्या? भारत के विकास का उनका एजेंडा बताते हैं क्या? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना हित करना जानते हैं, गरीबों का नहीं। इन लोगों ने समझ लिया है कि कुछ जातियां उनकी गुलाम है, जैसे कहेंगे उस जाति के लोग वैसा ही करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि जब देश की बात आती है तो हम सब पहले भारतीय होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक गरीबों के नाम पर वोट बटोरे,
बड़े बड़े पद हासिल किए, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को भूलने का ही काम किया। ये लोग भी गरीबी से निकले थे, लेकिन इन लोगों ने आज हजारों करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। राजनीति में कब से इतनी तनख्वाह मिलने लगी कि अरबों खरबों का मालिक हो जाए? भाइयों और बहनों, इन लोगों ने आपसे लूटकर अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाए, लाखों की गाड़ियां खरीदी है, जबकि आपका ये सेवक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा और 5 साल से देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन एक पल के लिए भी न मैं अपने लिए जिया हूं और न ही अपने रिश्तेदारों के लिए मैंने अपना समय बिताया है। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। तो अपने अंदाज में जनसभा